Okay, ओके so how to prevent lateral torsion buckling? So this is the way from by choosing this situation you can avoid lateral torsion buckling. ठीक है, अब इसमें जो एक चीज है मैंने आपको बता दिया कि आपने फर्स्ट ऑप्शन ही की यूज करनी है, तो उसको मैंने डिटेल डिस्कस किया है. इसके अंदर अब जो चीज देखने वाली है वो ये है कि ये जो हम लेटरल स्टेबिलिटी के लिए ये ओपन वेब सेक्शंस दे रहे हैं इसमें, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए. ये ना हो कि वो डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाए तो वो बाहर बाहर चले जी, वो आपने लेटरल स्टेबिलिटी भी दी और दरमियान से बीम जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो इस डिस्टेंस को भी कंट्रोल करना है. ये जो ब्रेसिंग है इसके डिस्टेंस को भी कंट्रोल करना है. दूसरी चीज, एक ब्रेसिंग से लेके दूसरी ब्रेसिंग तक जो डिस्टेंस है अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, उस डिस्टेंस को बोलते हैं अनब्रेस्ड लेंथ. ठीक है, बार बार याद रखना है, ये बार बार रिटर्न रिपीट होगी, दिस इज कॉल्ड अनब्रेस्ड लेंथ, दिस लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है ये ब्रेस्ड नहीं हुई थी. आपकी ब्रेसिंग पॉइंट ये है, एक ये ब्रेसिंग पॉइंट है, अंदर वाला जो पोर्शन है ये विदाउट ब्रेस है, इसको बोलते हैं अनब्रेस्ड लेंथ. और इसको स्मॉल एक लेटर है एल बी, उससे लिखते हैं. अब ये आप लोग अगर ये ब्लू कलर की डायग्राम देखें, ये वाली जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो इसका 2D सेक्शन आप देखें, ये बीम नजर आ रहा है, ये एक ये यहाँ पर सेक्शन यहाँ से एक आके इसके साथ लगा हुआ है, तो जिसने इसको स्टेबिलिटी दी हुई है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, यानी कि एक ये एक ये एक ये. ठीक है, अगर आप लोग इस तरह समझ लें इसको, तो हर स्टेबिलिटी वाले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये आपके पास अनब्रेस्ड लेंथ है, और अनब्रेस्ड लेंथ को आपने एल बी लिखना. बार बार ये एल बी आगे रिपीट होगा तो आपने समझ जाना है कि एल बी क्या है, अनब्रेस्ड पोर्शन ऑफ द बीम. ठीक है, सो ये अब आपने टर्मिनोलॉजी जरा याद रखनी है स्लाइड से. अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. हो गया सर, ठीक हो गया. अच्छा, अब ये बिल्कुल अब डिजाइन की तरफ हम आ रहे हैं. फ्रॉम एआईसी स्पेसिफिकेशन चैप्टर नंबर एफ, अगर आप लोगों के पास पॉसिबल है तो उसको ओपन कर ले, नहीं तो मैंने स्लाइड में स्क्रीनशॉट लगा दी, आप लोग बाद में भी ओपन कर सकते हैं, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा. तो उसके लिए आप लोगों के डिफरेंट इस चैप्टर के अंदर जो है ना डिफरेंट आपके पास सेक्शन है, एफ1 एफ2 एफ3 एफ4 राइट साइड पर नजर भी आ रहा है एआईसी का, तो इसको हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, ये कुछ फ्लेक्सुरल लिवर स्ट्रेट्स हैं, बिल्कुल ही जो है ना वो कह लेंगे मैकेनिक्स वाली चीज़ें हैं सारी. यील्डिंग क्या होती है, लेटरल टॉर्शन मुरी मैंने आपको बता दी है, ये आप लोग सदरा खुद इसको समझने को शुरू करिए, अगर ना भी है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इसके ऊपर टाइम नहीं ज़्यादा स्पेंड करूँगा. अच्छा, अब ये बिल्कुल अब डिज़ाइन की तरफ आ जाए. एआईसी स्पेसिफिकेशन सेक्शन F1, आप लोगों का एआईसी स्पेसिफिकेशन है उसका जो सेक्शन F1, अगर आप लोग ओपन भी कर ले वहाँ पर ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. The design strength of the flexural member shall be computed by phi b mn. हम LRFD approach को use कर रहे हैं, and अगर ASD को use करते हैं तो mn over psi b आता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर phi b mn को consider करेंगे कि आपकी design strength अगर आपने निकालनी है तो उसका formula phi b mn है. For this provision जो phi b की value है for flexural member वो क्या होगी, 0.90. ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूँ. पॉइंट नंबर 3 है, फोर सिंगली सिमेट्रिक मेंबर्स इन सिंगल क्लस्टर एंड ऑल डबली सिमेट्रिक मेंबर्स. अब ये जो चीज है ना इससे रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल भी आने वाला है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है, और अगर ना समझ आए तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं. यहाँ पर अब जनाब मैंने आपको एक चीज बताई है ऊपर के लेटरल स्टेबिलिटी आपने बीम्स को कैसे देनी है. ठीक है, डिफरेंट आपने जो है वो ओपन सेक्शंस दे दिए और उन पॉइंट टू पॉइंट जो डिस्टेंस है वो आपके पास अनब्रेस्ड लेंथ है एल बी. अब आपने वो जो एल बी है ना अनब्रेस्ड लेंथ, उसको इंश्योर करना है कि उस अनब्रेस्ड लेंथ के अंदर तो कहीं लेटरल स्टेबिलिटी आपकी इफेक्ट नहीं हो रही. मैंने आपको पहले बताया था कि यार हमने ब्रेसिंग भी देनी है तो ब्रेसिंग का जो डिस्टेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको चेक करके देना है कितना डिस्टेंस पे दें तो हमारी जो स्टेबिलिटी कंट्रोल हो जाए लेटरल टॉर्शन बकलिंग ना हो. ठीक है, उसको जरा उसको चेक करने के लिए एआईसी स्पेसिफिकेशन ने एक कंडीशन दी है, ये कंडीशन नंबर 3 कि अगर तो आपके ये डब्ल्यू सिमेट्रिक सेक्शन का मतलब होता है डब्ल्यू सेक्शंस, यानी कि उनको एक्स एंड वाई एक्सिस सिमेट्रिकल ही होंगे वो. ठीक है, तो हम डब्ल्यू सेक्शंस को ही कंसिडर करेंगे अपने डिजाइन में, मैं इसे आगे नहीं जा रहा, तो फॉर द टाइमिंग आप इस क्लाइंट को अगर इग्नोर भी कर दें कोई मसला नहीं है. तो आपने ये इंश्योर करना है कि आपकी जो लेटरल ब्रेसिंग आपने प्रोवाइड की है उसके दरमियान जो अनब्रेस्ड लेंथ का जो डिस्टेंस है एल बी जो डिस्टेंस है, क्या वो लेटरल टॉर्शनल बकलिंग को अवॉइड कर रहा है कि नहीं. उसके लिए एआईसी स्पेसिफिकेशन कहता है आपने एक फैक्टर डिटरमिन करना है, उस फैक्टर को कहते हैं सीबी, या मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ. ये सीबी क्या है, द लेटरल टॉर्शनल बकलिंग मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मूवमेंट डायग्राम्स एंड बोथ एंड्स ऑफ द सेगमेंट्स आर ब्रेस्ड इज डिटरमिन्ड एज फॉलोज. यानी कि बीम अगर लेंथ में ज्यादा है तो हो सकता है कि शॉर्ट बीम जो है छोटा सा अगर बीम है वो सिर्फ उसके एंड से फर्स्ट एंड और लास्ट एंड वहां से सिर्फ ब्रेस और दरमियान में कोई ब्रेसिंग पॉइंट ना हो. ठीक है, अगर बीम की लेंथ ज्यादा है तो हो सकता है बीम के दरमियान के इंटरवल में भी
के ब्रेसिंग हो, जिस तरह आपने भी पिछली सिचुएशन देखी है, ठीक है, तीन चार ब्रेसिंग पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कह रहा है कि आपने किसी दो ब्रेसिंग पॉइंट को सिर्फ चेक करना है, पूरे बीम को नहीं चेक करने लग जाना। हाँ, अगर पूरे बीम के ही सिर्फ दो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, तो पूरा बीम चेक करना पड़ेगा। अगर उस बीम के अंदर चार पांच ब्रेसिंग्स हैं, तो चार पांच ब्रेसिंग में से किसी एक अनब्रेस लेंथ को चेक कर लेना दो ब्रेसिंग के पॉइंट के, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर आपने चेक करना है, उस चेक करने के लिए आपने एक सीबी फैक्टर डिटरमिन करना है, और ये सीबी फैक्टर, बार मेरे ध्यान से सुनना, ये सीबी फैक्टर जो है आपका, ये हमेशा सिर्फ दो ब्रेसिंग पॉइंट के दरमियान निकलता है। एक बीम फॉर एग्जाम्पल, अगर बीम के अंदर चार ब्रेसिंग पॉइंट है, तो आपने कोई एक पोर्शन सेलेक्ट कर लेना है जिसमें अनब्रेस लेंथ आ रही होगी, उन दो ब्रेसिंग पॉइंट के दरमियान वाला जो बीम का एक पोर्शन है सिर्फ, ये उसको उसका सीबी कैलकुलेट करेगा, नॉट फॉर द होल बीम। हाँ, अगर आपका एक पूरा बीम है, वो सिर्फ एक फर्स्ट एंड से ब्रेस्ड हुआ हुआ, एक लास्ट एंड से ब्रेस्ड हुआ, दरमियान में कोई ब्रेसिंग नहीं है, तो फिर पूरा बीम ही एज अ पोर्शन कंसिडर होगा और उसके लिए सीबी निकलेगा। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? तो सीबी पोर्शन इन कंक्लूजन मैं आपको बता दूं, सीबी जो आपका कैलकुलेट होगा वो ओनली फॉर टू ब्रेसिंग पॉइंट्स के दरमियान जो एलबी का पोर्शन है उसके लिए कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पिछली स्लाइड पर चला जाऊँ, तो जो सीबी आपका, अगर इस बीम को कंसिडर करें, या तो आप इस पोर्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे या इसके लिए करेंगे, पूरे बीम के लिए नहीं करेंगे। या तो दूसरी सिचुएशन है, दरमियान वाली ये वाली ब्रेसिंग खत्म कर दो, सिर्फ एक ये वाली ब्रेसिंग रहने दो, एक ये रहने दो, तो पूरे बीम के लिए चेक हो जाएगी, ठीक है। अब होपफुली मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई। यस सर, ठीक है। तो ये सीबी जो है आपने निकाला, अब सीबी जो आपने मॉडिफिकेशन फैक्टर है, ये बताता है कि कितनी आपने स्टेबिलिटी को कंट्रोल किया कि नहीं। इसका जो फार्मूला है वो है 12.5 m मैक्सिमम, 2.5 m मैक्सिमम प्लस 3 m में प्लस 4 mb प्लस 3 mc, ऐसे ही है। अब ये चार पॉइंट बनते हैं मूवमेंट्स के, ma, mb, mc एंड mm मैक्सिमम। ये फार्मूला कहता है कि आपकी जो ब्रेसिंग के दो पॉइंट है उसके दरमियान जो अनब्रेस लेंथ है, यानी कि बीम का जो पोर्शन है, दो ब्रेसिंग पॉइंट के दरमियान वाला जो पोर्शन है बीम का, उस पोर्शन को ना आपने चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, फोर पार्ट्स के अंदर। तो आप चार पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड करेंगे, उन चारों पॉइंट के ऊपर आपने मूवमेंट कैलकुलेट करनी है। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसको कहना है ए पॉइंट, और वहां पर जो मूवमेंट होगी वो होगी एम ए। जो दूसरा पॉइंट होगा वो एम बी, वहां मूवमेंट क्या होगी एम बी। जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा सी, उसको बोलेंगे एम सी। और जो सबसे पीक मूवमेंट वाला पॉइंट होगा उसको बोलेंगे एम मैक्सिमम। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं अगर आपको समझाऊँ, तो आगे न्यूमेरिकल भी इसका आएगा, समझ आ जाएगा। अगर ये बीम है, तो इस बीम में तीन ब्रेसिंग पॉइंट्स हैं, एक दो तीन, ठीक है। तो आपने दो पॉइंट्स के लिए सिर्फ, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपकी सीबी जो फैक्टर है सिर्फ दो पॉइंट्स के दरमियान के पोर्शन को चेक करता है, ठीक है। अगर आप ये वाला बीम का पोर्शन ले लेते हैं, तो आपके बीम, आपको इस बीम के इस पोर्शन को, जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, इस एल बी वाले पोर्शन को चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, और वो एम ए बी सी और एम मैक्सिमम निकालने पड़ेंगे। इसी तरह आपको इस पोर्शन को अलग से करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी सेंटर वाली ब्रेसिंग खत्म हो जाती है, सिर्फ एक एंड पर है बीम के और एक फर्स्ट पर है, स्टार्टिंग पॉइंट पर, एक एंड पॉइंट पर ब्रेसिंग है, तो आप फिर पूरे बीम को जो है, ओवरऑल बीम को जो है, वो आपकी जो लेंथ होगी वो एल बी होगी, और उसको आप चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पूरे बीम को। लेकिन अगर ब्रेसिंग दरमियान, एक मिनट, अगर इंटरनल ब्रेसिंग दरमियान में आ गई है, तो सिर्फ इतने पोर्शन को ही आपको चार पॉइंट में डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा अलग से, और इसको अलग से, देन आप कंबाइन करें। जी अब बोलें सर, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम पहले ही सिर्फ ये दो हम लोग कर लें, यानी कि तीन पॉइंट्स नहीं करें, दो ही पॉइंट्स कर लें, तो वो सर वो ज्यादा बेहतर होगा या तीन पॉइंट्स पे ही ज्यादा बेहतर होगा? ये इसको मैं न्यूमेरिकल में आने लगा हूं आगे। ये आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि आपका बीम कहां-कहां से ब्रेस्ड है। अगर तो आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि यहाँ पर ब्रेसिंग नहीं गिवन, तो आपने अज्यूम करना है कि बीम के तो स्टार्टिंग पॉइंट पर ब्रेसिंग और एंड पर, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये हमेशा ब्रेस्ड होंगे अगर नहीं भी मेंशन क्वेश्चन के अंदर। हाँ, अदरवाइज अगर मेंशन है कि जी बीम को 1/4 लेंथ पे ही ब्रेस किया हुआ है, इतने लेंथ पे ही ब्रेस है, तो फिर आपने उसको साफ से देखना हो, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल करते हैं सर, समझ आ जाएगा। सही हो गया सर, सही हो गया, ठीक है। तो ये आपने बीम के अनब्रेस्ड पोर्शन को, पोर्शन की बात कर रहे हैं, पूरे बीम को नहीं कर रहा, इसको बार बार माइंड में रखना। तो आपने चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है और ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगर आपके एक बीम के सिर्फ स्टार्ट और एंड वाला पॉइंट ही ब्रेस है, तो पूरा बीम ही आपका पोर्शन कंसिडर होगा, और उसके लिए पूरा का पूरा सीबी निकल आएगा। गॉट माय पॉइंट? सो फॉर नेक्स्ट स्लाइड, यस सर। अच्छा, इसमें भी लेफ्ट साइड को आप छोड़ दें, जो मैंने खुद पेन से लिखा हुआ है, इसको भी आप ना समझे, राइट साइड पर देख लें। एक टेबल 3-1 है, ये ए एस सी का टेबल है, ये मैंने आपको दिया हुआ है, जो आपको मटीरियल दिया हुआ है उसके अंदर ही है, प्लेजर मेंबर में।
इस टेबल के अंदर ना उन्होंने डिफरेंट ना लोड केसेस बना दिए हुए हैं कि अगर तो ये वाली कंडीशन हो सिंपली सपोर्टेड बीम हो और दरमियान में पॉइंट लोड एक हो, फिर ये वाला केस हो दो पॉइंट लोड है, फिर ये वाला केस हो अगर तीन पॉइंट लोड है, ये वाला केस अगर इसमें यूडीएल हो, तो इस केस में ना उसने ऑलरेडी ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि नन लोड एट मिड पॉइंट, ठीक है, कि आप इस केस में अगर देखें इस केस में और इसमें ये वाला केस नन वाला जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसके आगे अगर आप ये बीम देखें ना तो ये बीम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट से ब्रेस है और दरमियान में जो लोड लग रहा है वहां से ब्रेसिंग नहीं है। इस केस में उसने कहा इसका सीवी फैक्टर इतना होगा जितना भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह अगर दूसरा पॉइंट देखें कि यही वाला बीम हो, यही वाला जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, और इसी बीम के अंदर ये वाली कंडीशन बन जाए, इस कंडीशन के मुताबिक कह रहा है कि बीम जो है वो सेंटर में जहाँ पर लोड लग रहा है वहां से भी ब्रेस्ड है, एंड से भी ब्रेस्ड है और लोड वाली पोजीशन से भी ब्रेस्ड है, तो अब इस बीम के अंदर एल बी के दो पोर्शन बन गए, ठीक है। जो पिछला केस था उसमें पूरा बीम ही पूरे बीम की लेंथ ही एल बी थी क्योंकि वो एंड टू एंड ब्रेस्ड है और दरमियान वाला पोर्शन अनब्रेस्ड लेंथ बन गई। अब इस केस के अंदर दो अनब्रेस्ड लेंथ है, एक ही वाला पोर्शन है और एक इससे अगले स्पैन वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस केस में वो कह रहा है कि दोनों स्पैन्स के लिए अगर वो इक्वल है तो सीबी फैक्टर ये होगा। इसी तरह अगर इस केस में आ जाए, अगर ये दोनों लोड के पॉइंट ब्रेस नहीं है, जिस तरह हर एक कंडीशन के हिसाब से उन्होंने सीबी फैक्टर ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दे दिए हुए हैं। एएससीबी जब आप लोग डिजाइन करेंगे तो आपने सीबी उस फार्मूला से कैलकुलेट नहीं करना जो मैंने आपको शो किया, आप डायरेक्ट टेबल से उठा लेंगे सीबी की वैल्यू कितनी है फॉर योर बिजनेस पर्पज। लेकिन अगर आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो आप लोगों ने उस सीबी फैक्टर को अलग से जो पीछे हमने एसी का मैंने फार्मूला दिखाया उस फार्मूला से आप कैलकुलेट करेंगे, और इसकी मैं आपको एग्जांपल अभी करवाने लगा हूँ, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, कि सीबी अगर आप लोगों ने टेबल से उठाना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अच्छा ये एक स्लाइड है कि सीबी फैक्टर्स को आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इसको एंड पे डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा टाइमिंग में छोड़ो। अब जरा डिजाइन क्राइटेरिया को थोड़ा सा डिस्कस कर लें फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। डिजाइन क्राइटेरिया जो आप लोगों का सेक्शन एफ टू जो इसमें स्टेट कर रहा है, आई थिंक मुझे एक तीसरी मीटिंग भी करनी पड़ेगी, 21 मिनट हो गए हैं, चले इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश पूरी हो रही है। जी जी बोलो। अरे वो आपके वो स्क्रीन शो नहीं हो रही यहाँ पे। कौन सी स्क्रीन नहीं शो हो रही? सर वो आपने शेयरिंग की हुई है ना, मैं सर दोबारा लीव करके दोबारा हूँ तो मैं कर रहा हूँ। नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरे से मिस्टेक हो गई है। एक मिनट, आप लोगों को कौन सी स्क्रीन लास्ट टाइम शो हुई है? ये टेबल शो हो गया था, टेबल 31 सीबी वाला टेबल शो हो गया था आप लोगों को? सर मुझे हो रहा है, सर मुझे तो हो रही है, मुझे भी हो रहा है सर। एक मिनट मैं दोबारा कर टेबल शो हुआ है बस लास्ट टाइम सर। हाँ अब देखो 793 तुम्हें शो हो रहा है? नहीं सर। अपनी मीटिंग जरा ऑफ करके दोबारा ज्वाइन करो। ठीक हो गया सर, जल्दी करो, मैं अब स्टॉप किया हुआ थोड़ा सा। हाँ जी उस्मान जी सर आगे है ये सर? नहीं मेरे ख्याल नहीं है सर। चलो अभी आ जाते। आई थिंक सो ही हैज जॉइंड। जी सर जी सर। अब स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चे आपको? यस सर हो रही है। अच्छा चलें, ये टेबल तक हमने शो किया था, इससे आगे मैं जा रहा हूँ। तो इस स्लाइड को मैंने आपको कहा फॉर द टाइमिंग आप लीव कर दें, इसको अमेंडमेंट पे डिस्कस करेंगे। सीबी फैक्टर से कुछ रिडक्शन है डिजाइन के बाद कंसीडर कर लेंगे हम। अच्छा एआईसी स्पेसिफिकेशन सेक्शन एफ टू, अगर हम डिजाइन इक्वेशन को यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करने लगा, इसको भी जरा आपने बहुत ध्यान से सुनना है कि डिजाइन इक्वेशन किस तरह वर्क करेंगे, इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल एंड लेक्चर एंड हो जाएगा। सेक्शन एफ टू आपका स्टेट करता है इस सारे पार्ट को, ये जो लिखा है ना ये आप लोगों ने खुद स्टडी करना है, एक दफा रीड करना है, आप लोगों को समझ आ जाएगी है कि मैं सिर्फ फार्मूला को डिस्कस कर रहा हूँ, इतना टाइम हमारे पास नहीं कि मैं एक चीज़ डिस्कस करूँ। अच्छा फार्मूला में देखें, अगर आपने फ्लेक्जरल मेंबर्स को डिज़ाइन करना है यानी कि बीम्स को, ठीक है, तो AISC सेक्शन एफ टू ये स्टेट करता है कि अगर आपने यील्डिंग लिमिट पर इसको डिज़ाइन करना है तो आपकी जो इक्वेशन होगी डिज़ाइन इक्वेशन वो होगी MP इज इक्वल टू FY इनटू ZX, ठीक है, अगर आपने यील्डिंग लिमिट पर डिजाइन करना है। अब ये कैसे पता चलेगा यील्डिंग पे करना है उसको मैं बताता हूँ आगे। एफ वाई आप लोग को टेबल से मिल जाएगा, जेड एक्स आप लोगों को प्रॉपर्टी वाले टेबल से मिलेगा जो सभी सेक्शन होगा, ठीक है।
एक तो एएसी स्पेसिफिकेशन ने आपको सेक्शन एफ टू ने ये फार्मूला दे दिया है कि अगर आप यील्डिंग स्टेज पर डिजाइन करें एफ टू डैश वन नाउ अगली स्लाइड में लिखा हुआ है लेटरल टॉर्जनल बकलिंग. अगर आप पिछली स्लाइड को देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यील्डिंग लेटरल टॉर्जनल बकलिंग नहीं है. ठीक है जरा इस पर आ जाए. अच्छा अब वो यहाँ पर इस स्लाइड में जो कंडीशन ए है जरा उसको जरा गौर से ध्यान से देखें सब लोग. कंडीशन ए में लिखा हुआ है व्हेन एल बी लेस देन इज इक्वल टू एल पी द लिमिट स्टेट ऑफ लेटरल टॉर्जनल बकलिंग डजंट अप्लाई. इस कंडीशन का मतलब ये है कि अगर आपने चेक करना है कि आपकी बीम की एल बी कितनी है. एल बी आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगी. जब पता चलेगा ना कहाँ कहाँ से ब्रेस्ड है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी एल बी लेंथ कितनी है. जो दो ब्रेसिंग पॉइंट के बीच डिस्टेंस है वो एल बी होता है. मैंने आपको बताया था कि रिपीट होगा इसको याद रखना. एंड व्हाट इज एल पी. देखिए दो कंडीशंस जो है ना एक लिमिटिंग लेंथ एआईसी स्पेसिफिकेशन स्टेट करता है एक एल पी और एक एल आर. ये भी आप लोग आगे कैलकुलेट का फॉर्मूलाज भी गिवन दिए हैं इसमें आप लोग देखेंगे. फॉर द टाइमिंग वो कहता है कि आपने चेक करना है कंडीशन ए में अगर तो आपका एल बी इस लिमिटिंग लेंथ एल पी से लेस है या इक्वल है तो लेटरल टॉर्जनल बकलिंग उस पर अप्लाई ही नहीं होती. यानी कि वो बीम जो है वो फुली आपका स्टेबिलिटी में कंट्रोल है उसमें कोई लेटरल टॉर्जनल बकलिंग नहीं हो रही. और ये मैं आपको बता दूं जरा ध्यान से सुनो कि वो वाला केस होता है कि आप समझ लें कि आपका जो आई सेक्शन है ये डब्ल्यू सेक्शन है उसके ऊपर कंक्रीट की स्लैब बनी हुई है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द और अब वो स्लैब ने उसको कवर कर लिया है बीम को और अब बीम में लेटरल डिस्प्लेसमेंट की कोई मतलब चांस नहीं है. वो डिस्प्लेस हो नहीं सकता. वो फुली जो है ना वो स्टेबल हो चुका है बीम ड्यू टू द स्लैब. स्लैब ऊपर कंक्रीट की डल गई है फ्लैंज उसके अंदर छुप गया आपका बीम का. ठीक है तो वो फुली लेटरल स्टेबिलिटी है बजाय इसके कि आप लोग अलग अलग पॉइंट पे उसको जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें जिसका आपने देखा था. तो ये फर्स्ट कंडीशन वो वाली है यानी कि ऊपर स्लैब डल गई है और बीम के अंदर कोई लेटरल टॉर्जनल बकलिंग नहीं है. तो अगर आपकी कंडीशन ए सेटिस्फाई हो जाए तब आप लोग जो है इस इक्वेशन को यूज करते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकाल और दिस विल बी टू मच इजी. ठीक है अगर आपका और आपने कैसे चेक करना है कि बिल आपके बीम में फुल लेटरल स्टेबिलिटी है कि नहीं उसके उन्होंने कंडीशन लिख दी. अगर आपका एल बी अनब्रेस्ड लेंथ एल पी से कम है तो आप समझें कि आपके बीम में लेटरल टॉर्जन बकलिंग हो ही रही. आपने एल टी बी को कंसिडर ही नहीं करना और आपने सिंपल इस इक्वेशन से डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल के आपने जांच करा ली. मेरा पॉइंट समझ आ गया सबको कि नहीं. तो जरा एक दो बंदा ने फॉर्म करे एल टी बी का. यस सर आ गया सर. ठीक है ओके तो कंडीशन ए अगर सेटिस्फाई होगी तो आपने यील्डिंग वाली इक्वेशन से डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल ली. अच्छा नेक्स्ट स्टेप है कंडीशन बी का कहती है अगर आपका एल पी इज लेस देन एल बी और एल बी लेस देन एल आर. यानी कि अब आपका अनब्रेस्ड लेंथ जो है वो एल पी से बढ़ गई है लेकिन अनब्रेस्ड लेंथ एल बी जो है एल आर से छोटी है. तो ये वो कंडीशन है इसमें अब आप कंसिडर करेंगे कि आपकी एल टी बी की पॉसिबिलिटी है लेटरल टॉर्जनल बकलिंग की पॉसिबिलिटी है अपनी के अंदर. अब ये वो वाला केस हो सकता है जिस तरह आपको मैंने भी पीछे वो डायग्राम दिखाई थी कि कुछ पॉइंट्स पर जाके ब्रेसिंग हुई हुई है बीम और उन दो स्टेबिलिटी वाले पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एल बी होता है आपका. ये वो वाला केस हो सकता है. अब आप यहाँ पर डिजाइन इक्वेशन में चेक करेंगे कि क्या वो जो एल बी की जो एल बी वाला जो पोर्शन है बीम का वो जो एल बी लेंथ है वो इतनी सूटेबल है कि वो आपकी जो है लेटरल डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करेंगे ना करें. ठीक है तो अब ये वाला डिजाइन कंडीशन आ गई. यानी कि अब इस बी कंडीशन ये कह रही है कि अब कुछ ना कुछ लेटरल टॉर्जनल बकलिंग हो सकती है बीम. उसके लिए अगर उन्होंने कहा कि अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो आपने इस इक्वेशन को छोड़ देना. इस इक्वेशन से डिजाइन स्ट्रेंथ नहीं निकालनी. ये इक्वेशन उस वक्त यूज होगी जब आपका बीम फुल लेटरल स्टेबिलिटी पे यानी कि पूरी स्लैब डाल गई यानी कि कोई लेटरल टॉर्जनल बकलिंग नहीं. तो अगर आपकी कंडीशन बी पूरी होती है यानी कि उसमें कुछ एलटी भी हो सकती है तो आपने फिर इक्वेशन एफ टू डैश टू ये वाली इक्वेशन को यूज करना है डिजाइन और एनालिसिस के लिए मूवमेंट स्ट्रेंथ निकालने. ठीक है और अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप लोग देखें यहाँ पे सी पी भी यूज हो रहा है. या तो ये सी बी आपने वो डिजाइन चार्ट्स के अंदर से उठा लेना डायरेक्टली या फिर आपने फार्मूला से कैलकुलेट करना. ठीक है इस तरह ये आप लोगों की इक्वेशन यूज होगी. अब एक और कंडीशन भी है सी कंडीशन. अगर आपका एल बी जो है वो एल आर से भी ग्रेटर हो गया ठीक है तब आपने डिजाइन स्ट्रेंथ फिर इस फार्मूला से निकालनी एफ सी आर इंटू एस एक्स और इट शुड बी लेस देन एफ बी. ठीक है ये जरा मीटिंग एंड होगी मैं दोबारा शेयर करता हूँ लिंक तो आप लोग उस पर जरा दोबारा ज्वाइन करें. थैंक यू वेरी मच. सॉरी एक मिनट अभी जो है कुछ टाइम है 10 मिनट का इसमें मिल जाएगी मेरे रिलैक्सेशन तो होप सो. तो उसके अभी आगे चलते हैं हम जब ये एंड होने वाली होगी फिर मैं आपको बता दूंगा. तो यहाँ पर जो है अगर आपकी ये कंडीशन जो सी है अगर आपका एल बी ग्रेटर देन एल आर है तो आप लोग इसी क्वेश्चन डिजाइन निकालें. ठीक है तो ए सी ने आपको तीन ही क्वेश्चन दिए डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए बेस्ड ऑन द अनब्रेस्ड लेंथ कंडीशन. एल बी को आपने चेक करना है एल पी और एल आर से.
ठीक है, इन क्राइटेरिया कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होगा उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन उठाने और डिजाइन या एनालिसिस करना। अब इसके अंदर ये एफ सी आर कैसे कैलकुलेट करना है उसका अलग फार्मूला दिया हुआ है आगे, ठीक है। जे क्या होता है, टॉर्जन कॉन्स्टेंट होता है, ये आपको ऐसी टेबल से मिल जाएगा, और एस एक्स भी आपको मिल जाएगा, एच ओ भी मिलेगा आपको आपकी जो प्रॉपर्टी वाले टेबल, ठीक है। इसी तरह ये एल पी और एल आर आपने इस तरीके से निकाल लिया ये, ठीक है। ये एल आर का फार्मूला, ये एल पी का फार्मूला, इसके अंदर जो फर्दर इक्वेशन जो यूज हो रही है आर टी एस वगैरह, ये देखें यहाँ पर आ रही होगी कहीं पे, ये आर टी एस आप कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये सारी चीजें आप लोगों को सी आपने वाली वन ले लेनी है, ये आपकी इस इक्वेशन से पता चल जाएगी। यहाँ पर मैंने ए आई सी मैनुअल से जो है ना ये एक स्क्रीन शॉट यहाँ पेस्ट कर दिया आपकी आसानी के लिए, ये जो स्लाइडें मैंने बनाई थी ये इधर से ही मतलब पिक की हुई है, तो ये आपके सेक्शन एफ टू में सारी इक्वेशन की मैंने जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बिल्कुल राइट हैंड पे देखें स्लाइड के, तो एक टेबल बी 4.1 बी भी दे दिया हुआ है, जिसके थ्रू भी हम न्यूमेरिकल करके चेक करेंगे कि आपका सेक्शन आइदर कॉम्पैक्ट है या नॉन कॉम्पैक्ट है या सिलेंडर है, ठीक है। फर्दर ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, ये काइंडली अपना माइक स्विच ऑफ करें, 17CD804। यस सर, माइक स्विच ऑफ करो अपना बच्चे। ओके सर। अच्छा, ये मैंने कुछ टेबल्स दी हैं, ये जो अब नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का होगा जिसमें डिजाइन का न्यूमेरिकल करवाना है, उसमें ये टेबल्स आपके यूज होंगे कि आप लोग अपने सेक्शंस को डिजाइन करेंगे बेस्ड ऑन द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। आप लोग रिक्वायर्ड जेड एक्स या रिक्वायर्ड आई एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे क्वेश्चन के अंदर, और उसके मुताबिक यहाँ से फिर चेक करेंगे कि इस सेक्शन का ये जेड एक्स कितना है, उसके मुताबिक आप अप्रोप्रिएट सेक्शंस को जो है वो अपना चूज कर लेंगे फॉर योर डिजाइन, ठीक है जी। तो ये हम नेक्स्ट उसमें यूज करेंगे। इसके अलावा जो है ये अगेन टेबल 3-1, अगर आप राइट साइड पे देखें स्लाइड के रिपीट हो गए, इसको मैंने बता दिया। लेफ्ट साइड पे कुछ बीम के नीचे कुछ कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं, C1 इस बीम के लिए, इस बीम के लिए, या इनका सी बी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक्चुअली जो है ये वो कॉन्स्टेंट है आपके जो जब आप लोग डिफ्लेक्शन के लिए चेक करेंगे बीम, आप फ्लेक्चर डिजाइन कर लेंगे तो एंड में आपने चेक करना है कि बीम में डिफ्लेक्शन तो नहीं हो रही, उस वक्त आपके कुछ कॉन्स्टेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो वो कॉन्स्टेंट्स आपने यहाँ से लेने हैं इन लोडिंग कंडीशन, ठीक है। इस बीम के लिए जैसे 161 है, इसके लिए 158 है, अकॉर्डिंगली आपने इसको पिक करना होगा। अच्छा, ये जनाब एक डिफरेंट बुक है, आप लोग को मैं बुक तो ये खैर नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग अपनी मिकॉर्मिक की बुक से न्यूमेरिकल देखेगा इसे रिलेटिव से रिलेटेड। तो ये एक बुक में एक एग्जांपल थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने इसके अंदर शेयर की है। टाइम हमारे पास 5 मिनट रह गया इस मीटिंग को एंड होने का, मैं क्वेश्चन मैं बता दूंगा अभी क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को मैं जरा समझा दूँ इस 5 मिनट के अंदर, फिर मीटिंग एंड होती है मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, फिर आप इसको ज्वाइन करें दोबारा, फिर हमें क्वेश्चन करके एंड करेंगे, ठीक है। लेकिन जरा अभी 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझें इसकी, इस एग्जाम्पल फिर कर लेंगे सर, नमाज भी नहीं पढ़ी यार, अभी बस ही खत्म होने वाला है, इसको करना जरूरी है, फॉर द टाइम बीइंग काइंडली जरा इसको करें, 2 बज गए नमाज का, वैसे भी टाइम 1:30 बजे होता है, तो इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट मैक्सिमम चाहिए आप लोगों के। तो इसके अंदर जो है ना, अब ये क्लास एग्जांपल 6-1 को देखें, उसमें कहा हुआ है कि एक सेक्शन है W18x35 और एक दूसरा सेक्शन है 21x48, ये दो सेक्शन उसने दे दिए हुए हैं, इसकी एफ वाई इतनी है, चेक बोथ द फ्लैंज एंड वेब। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है इन दोनों सेक्शंस के लिए आप चेक करें कि आइदर इन दोनों सेक्शंस के वेब और फ्लैंजेस वो कंपैक्ट या नॉन कंपैक्ट सिलेंडर किस क्राइटेरिया पर आते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा पार्ट एनालिसिस के क्वेश्चन का, तो इसको जो है हम करने के लिए सबसे पहले आई थिंक ये 5 मिनट के अंदर ये एग्जांपल हो जाएगी, इसके बाद हम मीटिंग दोबारा करके तो अगली एग्जांपल करके तो एंड करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए सबसे पहले उसने फ्लैंजेस को चेक किया, फ्लैंज अब सबसे पहले चेक करने से पहले ना आपके पास ये राइट साइड में मैंने टेबल दे दिया है, केस नंबर 10 को देखें, फ्लैंजेस ऑफ रोल्ड आई शेप सेक्शंस चैनल एंड टी, यानी कि हमारी ये कंडीशन पूरी होती है, आई सेक्शंस जो आपके डब्ल्यू सेक्शंस सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर वो कहता है जी उन्होंने चेक करना है कि कम्पैक्ट है या नॉन कम्पैक्ट है, तो आपने लैम्डा पी और लैम्डा आर को चेक करना है, जो मैंने आपको पहले ऊपर दिखाया भी था उस थ्योरी वाली स्लाइड में के एल पी और एल आर आपके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है उस सेक्शन की बी ओवर टी रेशो, विड्थ टू थिकनेस रेशो कैलकुलेट करनी है। अब ये बी क्या और टी क्या है, इसी तरह ये जिस तरह कंप्रेशन हम करते थे कि जो फुल विड्थ ऑफ फ्लैंज है बी एफ जो आप लोग टेबल से उठाएंगे सेक्शन की, उस बी एफ को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे, तो आपके पास वो बी बन जाता है इस केस में, ठीक है। तो ये बी आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी एफ डिवाइडेड बाई 2, ओके हो गया। उसके बाद थिकनेस क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, जो आप थिकनेस ऑफ फ्लैंज टेबल से उठाएंगे वो आपके पास एक्चुअली टी होगा। तो जब आप ये रेशो कैलकुलेट करेंगे फिर आपने उनको इनके साथ कंपेयर करवाना। तो यहाँ पर उसने दोनों सेक्शंस के लिए चेक किया हुआ है, तो ये बी एफ ओवर 2TF एक्चुअली आपका बी बाई टी है, किस तरह बी एफ डिवाइड बाई 2 ये बी बन गया, और डिवाइड बाई टी ये टी एफ एक्चुअली हमारे पास थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो इसने बी ओवर टी रेशो चेक की है इस बीम की, ये है। इसी तरह अगर आपने इसके
वेब को चेक करना है तो वेब के लिए आपका केस नंबर 15, केस नंबर 15 पर है एच ओवर टी डब्ल्यू। अब एच क्या है इसमें, एच ये है कि आपकी फुल डेप्थ ऑफ द सेक्शन माइनस टू टाइम्स द के डिजाइन वैल्यू। ये के डिजाइन वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगी, तो माइनस करेंगे तो आपकी वो एक्चुअली ये है कि वो थिकनेस ऑफ फ्लैंजेस टू टाइम माइनस होनी चाहिए, लेकिन वो इससे थोड़ा सा नीचे ही होता है डिमेंशन। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था उसमें कुछ कर्व पॉइंट आए थे, तो आपने टी एफ की बजाय के डिजाइन वैल्यू उठानी है टेबल से, ठीक है। तो एक ये वाली टॉप एंड बॉटम है, तो टू के डिजाइन वैल्यू आपने माइनस करनी है टोटल डेप्थ में से, तो आपके पास एच बन जाएगा। और टी डब्ल्यू उसमें थिकनेस ऑफ वेब है, तो इसने ये दोनों सेक्शंस की पहले चीजें कैलकुलेट करके रख ली हैं, दोनों सेक्शंस की क्या चीजें हैं, और उसके बाद उनको इनसे कंपेयर करवाया। तो तीन मिनट रह गए, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा इसमें न्यूमेरिकल। फ्लैंज को अगर आप लोग चेक करें तो ये लैम्डा पी एफ लिख रहा है, एफ को आप ना भी कंसिडर करें, लैम्डा पी कंसिडर करें इसको। तो लैम्डा पी की इक्वेशन क्या है फ्लैंजेस के लिए, यहाँ पर 0.3 अंडर रूट ई एफ और ई ओवर एफ वाई से चेक किया, और ये आपकी 9.15 आई, विच इज ग्रेटर देन बी ओवर टी रेशियो ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। तो आपका जो सेक्शन है वो क्या है जी, W835 फ्लैंजेस कॉम्पैक्ट, ओके हो गया। अगर आप लोग मेरी पिछली स्लाइड को देखें ना, तो ये वाली इसमें मेंशन है। अब आपने लैम्डा आर को भी चेक करना है, लैम्डा आर का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है जी, 1 ई ओवर एफ वाई। तो यहाँ पर ना एक्चुअली वो ये कर रहा है, मैं आपको इतना सिंपल सा बता दूँ, यहाँ पर इसने दो सेक्शन दिए हैं, आपने दोनों को अलग अलग चेक करना है, फ्लैंज को भी और वेब को भी, फॉर बोथ एल पी और एल आर। यहाँ पर वो थोड़ा सा ना मिस कर देगा क्वेश्चन को, मिस किस तरह करेगा, वो इस सेक्शन को उसने जो है वो फ्लैंज के लिए उसने चेक कर लिया हुआ है, ठीक है। और अब ये जो लैम्डा आर निकाल लेगा वो इस सेक्शन के लिए निकाल लेगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने दोनों सेक्शंस को प्रॉपर वे से ही करना है एक्चुअली। तो यहाँ पर उसने टाइम को बचाने के लिए जल्दी में उसने दोनों सेक्शंस को मिक्स ही कर दिया, तो लैम्डा आर उसने निकाला इसी क्वेश्चन से, तो वो आपका 24 ग्रेटर देन 9.47 जो कि इस बीम की बी ओवर डी रेशियो है, और इससे ग्रेटर देन इससे लैम्डा पी से, तो आपका सेक्शन क्या होगा, नॉन कम्पैक्ट होगा। ये आपको तब ज़रा समझ आएगी जब आप मेरी पीछे थ्योरी वाली स्लाइड को जरा दोबारा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने वेब को चेक किया, सिंपल वेब को उसने चेक किया, आपका ग्रेटर देन है 53.6 विच इज एच ओवर टी डब्ल्यू फॉर दिस एग्जाम्पल, तो आपका जो वेब है वो कम्पैक्ट है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को जब आप थ्योरी वाली स्लाइड से जरा पढ़ के दोबारा देखेंगे तो आपको होपफुली इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अभी हम आगे एक लास्ट, जी जी सर, हम लोग भी इसी तरह से ही कर सकते हैं, या वो हमने बिल्कुल सेक्शन को अलहदा करके पहले फ्लैंज जो वेब करना है अलहदा करके करना है आपने। यहाँ पर उसने वो जो है वो टाइम शॉर्ट होने जगह बचाने के लिए उसने ऐसे किया, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये मैं एग्जांपल्स पूरे एनालिसिस डिजाइन के एग्जांपल्स के मैं कुछ पार्ट आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये पेपर है, मैंने ऐसे नहीं देने, ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने एक एनालिसिस की एग्जांपल करनी है इस लेक्चर के लास्ट में, तो उसमें चीज़ रिपीट होनी है। अगर आप लोग ये पहले मैंने आपको बता दिया तो आप लोगों को उसमें समझ आ जाएगी जल्दी से, इसलिए मैंने करवाई ये कुछ पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, पूरी एनालिसिस और डिजाइन की, ठीक हो गया सर, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं इसकी मैं क्वेश्चन आपको इसके मैं क्वेश्चन आपको समझा दूँ, इसके पास बस हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है बस, इसकी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जरा समझा दूँ, फिर मैं दोबारा मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, उस मीटिंग के अंदर इस क्वेश्चन को भी एंड करेंगे, इससे अगले वाले को भी करके तो लेक्चर क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब ये एक जो क्वेश्चन है इसमें उसने कहा है सी बी फाइंड कर दें इस बीम के लिए, ठीक है। जो मैंने आपको सी बी की क्वेश्चन दिखाई थी ना ऊपर ए आई सी, उसको यूज़ करते हुए आपने सी बी कैसे फाइंड करना है। अगर आप लोगों ने सी बी की वैल्यू टेबल से नहीं उठानी तो आप लोग फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिजाइन के लिए तो आपने उठानी है टेबल से, लेकिन एनालिसिस के लिए आपने सी बी खुद कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सी बी कैलकुलेशन हमने थोड़ी सी परफॉर्म करनी है। तो ये बीम को अगर आप देखें, उसने कहा जी बोथ हैंड्स आर जो है वो ब्रेस्ड है, और उसने सेंटर से ही ब्रेस कर दिया। अगर आप लोग टेबल पर जाके देखें तो इसकी वैल्यू 1.67 दी हुई है डायरेक्टली। अब आप लोग इसको मैनुअल कैलकुलेशन से चेक करेंगे कि वाकई उतनी आती है कि नहीं आती, ठीक है। तो ये हमने जरा इंश्योर करना है इसके अंदर, तो इसको हम जरा अभी चेक करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं जो हूँ इस मीटिंग को यहाँ पर क्लोज करके मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, इसको आप कर दोबारा ज्वाइन करें, इस रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।